ओहो, मुझे कल अरे कल आपके बारे में ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे को सुनने में आया ही आपके पिछवाड़े में बहुत सारी लात पड़ी है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। अरे यार, तुझे किसने बोला? अरे यार, जरूर इन भैया ने बोला होगा। अरे भैया यार, सिंचन को भी बोल दिया आपने। ओए, तू भूल गया क्या बुढ़ा? पिछली वीडियो में मैंने तुझे क्या बोला था? और ये सभी गलती तेरी रही बुढ़ा, और ये सभी गलती उन कॉकरोच गैंग की है, और इस सभी चीजों का भरपाई उन कॉकरोच गैंग को करना ही होगा। मैं कल ही जाके बुढ़ा बात करूंगा ओली के मम्मी पापा से। और यार, तू कहता तो बुढ़ा, मैं सिंचन को भी लेके जाऊंगा और बात करूंगा। हाँ भैया, और मेरी बीवी तो बोला था ना यार भैया कि कुछ नहीं करने का। ओए बना, कुछ तो करेंगे, ओली के मम्मी पापा के साथ भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ओए बदला बुढ़ा बदला, जो कॉकरोच गैंग ने तेरे साथ किया है ना, उसका तो जरूर बता देंगे, है ना सिंचन? में सही बोल रहा हूँ ना? हे बिल्कुल, इसका बदला तो होना ही चाहिए बिल्कुल। अरे यार, मैं उन कॉकरोच गैंग से खुद बदला ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी यार, खुद का पिछवाड़ा एकदम दर्द कर रहा है। बाद में जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, उसके बाद ऐसे मारूंगा उन कॉकरोच गैंग को। चुप कर लिटिले नल्ले। ओ यार, तेरे को इतने हाथ पे यार कॉकरोच मारू मशीन होते हुए भी तू कॉकरोच गैंग को एक बार भी मार पाया क्या? हाँ भैया, मार नहीं पाया, लेकिन उन लोग को छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त होली मेरे साथ थी। और भैया यार, आपको तो पता ही है ना, जब लड़की साथ होती है तो थोड़ी बहुत यार भैया यार नर्वसनेस होती है ना। और भैया, उधर होली के मम्मी पापा भी थे, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया। लेकिन यार, अगली बार मैं छोड़ूंगा नहीं, जब मेरा यार पिछवाड़े का दर्द एकदम ठीक हो जाए। और तेरे पिछवाड़े के दर्द तक हम वही टेक सकते हो ना? और ऊपर से यार, तब तक वो कॉकरोच गैंग किधर भाग गया किधर? मेरे को तो मन कर रहा है आज उन लोग को तोड़ा लूं। रुकिए, मेरे पास एक प्लान है। ओए कैसी प्लान? मैंने सुना था वो कॉकरोच गैंग आजकल किसी लड़की के पीछे पड़ी है। ओए कौन सी लड़की? ओए, उनके सामने उन लोग को नंगा करके मारूंगा। अरे भैया यार, फिर भी यार भैया यार, मेरा दिल नहीं मानेगा। तू क्या करी? ओए तेरा दिल मारने के लिए तो मैं क्या करूँ? ओए रुक जा, ओए मेरे पास एक बार प्लान है। ओए ओगी भाई, ओए मेरे बुड्ढा, ओए हर सिंचन बुड्ढा, ओए तुम दोनों कान खोल के सुनो। ओए मेरे पास एक बस प्लान है, वो लोग एक लड़की को प्यार करते ना। हे, लेकिन वो लड़की उन लोग को भाव नहीं देती। अरे वही तो चाहिए ना। ओए मतलब कि वो लड़की उन लोग को भाव नहीं देती, लेकिन ओए हम ऐसे करेंगे कि वो लड़की उन तीन कॉकरोचों को भाव दे। अरे भैया यार, उन लोगों ने मेरा यार एकदम यार बसे बसाया संसार उजाड़ दिए, और आप चाहते हो भैया यार उन लोग को यार वो लड़की भाव दे? आप यार कैसे भैया? चुप कर निठल्ले, पहले मेरे भाव तो सुन बेटा। वो लड़की उन लोगों को भाव नहीं देगी, हाथ देंगे। भैया यार, लेकिन हम क्यों देंगे? हम लड़की थोड़ी ना है, वो लोग हमसे यार क्या यार भैया यार बस का लगा के पटेंगे क्या भैया? हम उनको कैसे पटेंगे? क्या हम लड़की बने क्या? ओए बेटा, लड़की बनने का जरूरत नहीं। ओए तेरा भाई एकदम हीरो है बेटा लड़की बनने में। ओए यार सचिन, तूने यार एकदम मस्त आइडिया दे दिया। बस यार, तू यार कॉकरोच गैंग का नंबर निकाल। अरे उन कॉकरोच का नंबर तो मेरे ही पास है भैया। तो हो गया, एक दिन ये लड़की का साउंड निकल ले, ठीक है? ओ यार, मैं नहीं निकालूगा, मेरा साउंड तो एक यार हाई किलो का यार बस ही बचान। ओ यार एकदम मर्द का जैसा है, वो लोग आसानी से पहचान जाएंगे। हाँ भैया यार, मेरा भी साउंड यार भैया यार एकदम पहचान ही जाएंगे ना। ओए बचा कौन? सचिन बुढ़ा। ओए सचिन एकदम यार लड़की का जैसे साउंड भी निकालता है। ओए सचिन यार निकाल सही। ओहो, मेरा साउंड कई लड़की जैसे? ओए यही तो जाए ना। ओए यार, तेरा साउंड एकदम लड़की जैसा है, ओए तेरे साउंड से काम बच जाएगा। ओ यार सचिन बुढ़ा, तू यार अपने होगी भाई के लिए इतना नहीं करेगा क्या? ये भगवान, क्या जुलुम है। अरे यार भैया यार, लेकिन अगर कॉकरोच गैंग यार सिंचन का साउंड पहचानेगी तो क्या होगा भैया? ओए तू यार पहले यार प्लान को मत बिगाड़। ओए सिंचन यार थोड़ी बहुत लड़की जैसे करना। लड़की जैसे मुझे करना नहीं है, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। फिर भी अगर आगे दिन कल के लिए मुझे लड़की बनना है तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। आगे कल ये कल चलो यार कॉकरोच गैंग को फोन लगाइए। ओए पहले प्रैक्टिस तो कर। ओए पहले यार लड़की जैसे साउंड निकल। अभी नहीं, चलो मैं ट्राई करता हूँ। मेरे ही निकला है। ओए यार, दूसरा आइडिया दे दिया तूने तो मेरे को। अरे यार भैया यार, कैसे दूसरी आइडिया? मुझे नहीं लगता यार ये आइडिया यार सक्सेस हो पाएगी। ओए चुप कर तू। ओए यार, मेरे पास एक बस प्लान है, यानी कि सिंचन यार वो लड़की बन के कॉकरोच गैंग को फोन करेगा, और यार एकदम यार उन लोगों को यार आ जाओ यार कल संडे है डेटिंग करने के लिए चलेंगे बोल के यार बोलेगा। उसके बाद क्या, एक हम यार फन पार्क है ना, हमारे घर के नजदीक वाले फन पार्क, उधर ही उन लोग को कॉल करके आने को बोलेंगे। लेकिन वो सिर्फ कॉल में, वो लोग उधर आएंगे लेकिन हम उधर होंगे नहीं। मतलब
जबकि वो लड़की उनकी यार एकदम बैंड बजाने के सुबह से शाम तक घुमाते रहेंगे, क्या बोलता है ओए। अरे यार भैया तू ये सब कर रहा है तो यार भैया वेट क्यों करने का, आज ही करते हैं अभी करते हैं। वो लोग लड़की के नाम सुन के ही एकदम आ जाएगी, अभी क्या बजाय एकदम ग्यारह ही तो बजाय सुबह के, अभी उनको बुलाएंगे तो वो लोग टूटी टूटी फ्रंट पैक तक आ जाएंगे। क्या कहती हूँ मैं चालू करके कल लगाना। अरे सुबह में देरी काय का, आज लूंगा पूरा बदला। ओए बेटा तो यार तेरा भाई का आइडिया एकदम सही जो है ना। हाँ भैया सिंचर यार प्लीज एकदम उल्लू को यार ऐसे यार उल्लू बनाना की उल्लू को यार अपनी नानी याद आ जाए। ओके सर तू मैं अपने काम के लिए एकदम तैयार हूँ, लगाइए कॉल। रुक जा मैं यार दूसरे नंबर से कॉल लगाता हूँ ताकि यार उन लोग को पता ना चले ये मेरा नया नंबर है। चल कॉल लगा दिया, एकदम बात कर। ओके चलो घंटी तो लगनी दो यार अपने साथ मेरे लड़की के। ओके चलो घंटी तो लगनी दो। हाँ ओए अरे भैया चुप। ओके चुप चुप। 12 seconds later. अरे मोटे तू यार हमेशा अपना यार ये मोबाइल क्यों भूल जाता है, देख यार ये किसका कॉल आया है मैंने उठा दिया। अरे यार कौन सा टपोरी है जो सुबह सुबह कॉल करे जा रहा है, अरे ये तो बोलता भी नहीं गूंगा है क्या। यार कूतिए लंबुआ तूने फोन क्यों उठाया, लगता है बैंक से यार। मैंने यार खाने के लिए कुछ पैसा उधार लेके आया था, बस उसी के लोन चुकाने के लिए बैंक से कॉल आया होगा। अरे ये तो किसी लड़की की सावड़े मोटे। ये बाबा रे आजकल तुझे पता नहीं है क्या, ये बैंक वाले लड़की को बुला के फोन लगाती है और बाद में पैसा मांगती है, कट रहे ये कॉल कटा दे रहे। अरे नहीं मैं बैंक से नहीं हूँ, मैंने बोला ना मैं यार तुम लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ कॉकरोच। यार बाबा रे ये तो फैन लगती है। हाँ मैंने बोला था ना बैंक से नहीं है। अरे यार राजकुमारी रानी तुम्हारी नाम क्या है यार, तुम बोलो ना रानी जाने मन डार्लिंग क्या बोल के बुलाऊं मैं। अरे तुम तो नंबर काफी यार एकदम फ्लटी निकले, मैं यार तुम्हारी वो सोन परी जो तुम हर वक्त तोड़ते रहती हो ना। ये बाबा रे सोन परी जो यार अभी अभी हमारे यार घर के बगल में आई हो वही हो क्या तुम। अरे यार तुम हो क्या, अरे यार मैं दूसरी लड़की के साथ ऐसे फ्लर्ट नहीं करता, मुझे पता था तुम ही हो इसीलिए मैं ये सब बोल रहा था। अरे यार सोन परी यार मैं तुम्हारा नंबर पाने के लिए तरस रहा था और तुम्हें यार ये भद्दे से मोटे के नंबर में कॉल कर दिया, तुमने इसका नंबर मिला कैसे। अरे मोटा भी तो कितना प्यारा है ना, इसीलिए मैंने इसके नंबर में कॉल किया। बाबा रे देखा देखा आजकल लड़की लोग मोटे को भी प्यार करती है। यार बाबा रे सुन परे मैं तुमको हीरो लगता हूँ ना। हाँ काफी हॉट एंड हैंडसम लगती हो तुम मुझको। यार बाबा रे देखा ना, अरे तुम बौखला गई हो क्या सुन परे। अरे मैं तुमको कुछ नहीं यार, अरे छोड़ो ना यार, अरे बताओ यार अभी तुम क्या कर रही हो। मुझे यार जानने का बहुत यार एकदम क्या बोलते हैं खुजदिली हो रही है। अरे यार ऐसे मत बोलो ना, चलो अगर ऐसा ही हो रहा है तो मैं अभी हमारे घर के बगल वाले फन पार्क में अकेले बैठी हूँ बोर होके, और मैंने सोचा तुम लोगों को कॉल लगाऊं ताकि यार थोड़ी बहुत बाबा हम लोग इंटरटेनमेंट का पैकेज है। यार बाबा बोले तो हम भी वैसे फन पार्क में आ जाए क्या। हाँ यार अभी निकलते हैं घर से यार, तुम बोलो फन पार्क में किधर बैठी हो, नाव वाली जगह में आगे या फिर पीछे किधर यार, जल्दी से बोलो ना। अरे रुको मैं दो मिनट में बताती हूँ। कल वो लोग पूछ रहे फन पार्क की कौन सी वाली जगह में। अरे यार भैया यार मुझे क्यों लगता है भैया यार ये नजदीक वाला फन पार्क नहीं बोलना चाहिए था। ओए तो कौन सी वाली फन पार्क बोले, जल्दी से बोल बोलो कॉल में ये। अरे भैया यार उनको यार दौड़ाते हैं ना दो तीन घंटे दो तीन किलोमीटर दूर भैया यार, जो यार भैया यार हमारे यार सबसे दूर वाला फन पार्क है ना हमारे गाँव से वही वाला भैया। ओए यार बेटा दूर वाला भी, बस यार ये दो किलोमीटर नहीं एक किलोमीटर ही दूर है। तो फिर क्या बोले दूसरे सिटी का फन पार्क बोल दिखे। ओए दूसरे सिटी का फन पार्क, मैं उनको ये बोलूंगा कि मैं कार में दूसरी सिटी के फन पार्क में आया हूँ और वो अगर मेरे से मिलना चाहते हैं तो मैं अब बाकी कॉल में बोलता हूँ। हेलो कॉकरोच किंग। यार बाबा रे आप जल्दी से बताइए यार सुन पर ये हम कब आए। दरअसल मैं दूसरी सिटी के फन पार्क में हूँ, इधर से 200 किलोमीटर दूर जोधपुर, अगर तुम इधर आना चाहते हो तो आ जाओ हम कल मिलेंगे ठीक है। अरे कल जोधपुर वाले फन पार्क ठीक है तो हम अभी निकलते हैं, मोटे में तो निकला तू इधर बैठ। क्या बाबा रे रुक जा मैं भी निकलता हूँ, लेकिन बहुत दूर है पैसे लेकर जा रहा होगा रे बुआ। अरे यार पैसा कितना है, अरे गुल्लक फोड़ जल्दी से निकल पैसे, अरे जल्दी से जाना होगा।